हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नरदेव बड़वाल। वेलकम बैक टू माय चैनल नरूज ऑटो ब्लॉग। दोस्तों, टोयोटा बहुत जल्दी इंडिया में एक 5-सीटर प्रीमियम एसयूवी लॉन्च करने वाली है RAV4 या RAV4 के नाम से। और इस एसयूवी को टेस्टिंग के दौरान काफी बार देखा जा चुका है इंडिया में, और इस पिक को शेयर किया है रस लेन ने, जिन्हें मैं पूरा पूरा क्रेडिट देना चाहूंगा दोस्तों। और जो कि बहुत ही जबरदस्त डिजाइन डायनेमिक्स के साथ इंडिया में आने वाली है। सबसे पहले हम बात करेंगे डायमेंशंस की, जिससे आपको एक बेटर आइडिया मिल सके। डायमेंशंस के अकॉर्डिंग लेंथ है 4596 mm, विड्थ 1854 mm, हाइट 1702 mm, व्हील बेस 2690 mm, ग्राउंड क्लियरेंस 216 mm, बोट स्पेस 580 लीटर, फ्यूल टैंक कैपेसिटी दिया गया है 57 लीटर। और इस डायमेंशंस के अकॉर्डिंग इसका सीधा सीधा मुकाबला होने वाली है टाटा मोटर की मोस्ट पॉपुलर 5-सीटर प्रीमियम एसयूवी हैरियर से। और इस एसयूवी की जो इंजन स्पेसिफिकेशन है दोस्तों, वो है 2.5 लीटर 4 सिलेंडर DOHC VVTi पेट्रोल इंजन, जो कि 203 bsp की पावर एंड 250 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। ट्रांसमिशन आपको 8-स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलते हैं। वहीं हम इस एसयूवी की डिजाइन डायनेमिक्स की बात करें तो फ्रंट प्रोफाइल काफी स्टर्निंग रहने वाले हैं, काफी प्रीमियम एलईडी डे टाइम रनिंग लाइट, एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प, और साथ ही बहुत ही शानदार फ्रंट ग्रिल, टोयोटा का बड़ा सा लोगो, और इसके साथ ही एलईडी फॉग लैम्प आपको देखने को मिलेगा बहुत ही शानदार हाउसिंग में। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं, टोयोटा के लोगो के ठीक नीचे फ्रंट पार्किंग कैमरा दिया गया है, और साथ में आपको बहुत ही शानदार स्किड प्लेट और साइड प्रोफाइल में चारों बॉडी क्लैडिंग दिया गया है, जो कि इसके एसयूवी स्टांस को काफी हद तक बढ़ा रहे हैं दोस्तों लुक वाइज। और इसके साइड प्रोफाइल में 19 इंच की अलॉय व्हील प्रोवाइड किया गया है, व्हील साइज है 235/55R19। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चारों व्हील्स पे डिस्क ब्रेक ऑफर किया गया है, जो कि इसे काफी जबरदस्त ब्रेकिंग ऑफर करते हैं। रियर प्रोफाइल में बहुत ही अमेजिंग एलईडी टेल लैम्प यूनिट प्रोवाइड किया गया है, और लिमिटेड एडिशन मिल जाता है, ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन आपको मिल जाता है। वहीं आरएवी की बैजिंग आपको लेफ्ट साइड मिल जाता है, रिवर्स पार्किंग कैमरा, रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाता है, जैसे कि आप यहां पे चेकआउट कर सकते हैं। वहीं इसका बूट बहुत ही शानदार, बहुत ही ह्यूज बूट स्पेस आपको मिल जाता है, तकरीबन 580 लीटर का बूट स्पेस प्रोवाइड किया गया है, बहुत ही शानदार स्पेस। बूट लैम्प आपको यहाँ पे दिया गया है, पावर टेल गेट आपको मिल जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। इंटीरियर की बात करें तो कीलेस एंट्री आपको मिलता ही मिलता है, साथ में 3-स्पोक टिल्टेबल मल्टीफंक्शन लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील, जिसके लेफ्ट साइड ऑडियो माउंटेड कंट्रोल, राइट साइड क्रूज कंट्रोल मिल जाता है। सॉफ्ट टच मटीरियल का यूज यहाँ पे किया गया है, और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको 12.5 इंच का लगभग दिया गया है, और इसमें आपको 3 ड्राइव मोड्स, इको, सिटी एंड स्पोर्ट मोड दिया गया है, जो कि आपको डिस्प्ले में देखने को मिलेगा, जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हो नॉर्मल, स्पोर्ट एंड इको मोड्स। साथ में आपको मल्टी टेरेन मोड भी आपको देखने को मिलता है, जैसे रॉक मोड एंड स्नो मोड, मड मोड एंड सैंड मोड। सारी इंफॉर्मेशन आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में देखने को मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग बटन, ऑटो होल्ड का ऑप्शन भी आपको यहां पे दिया गया है, जो कि एक प्लस पॉइंट है दोस्तों। वहीं इसके सेंटर कंसोल में 10.5 इंच का फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया, वायरलेस एप्पल कार प्ले एंड्रॉइड ऑटो को सपोर्ट करता है, और ड्यूल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल प्रोवाइड किया गया है कुछ इस तरह। वेंटिलेटेड सीट्स के कंट्रोल भी यहां पे प्रोवाइड किया गया है, एसी वेंट कुछ इस तरह। बहुत ही स्लीक डिजाइन में हैजार्ड लैम्प दिया गया है, JBL का सराउंड सिस्टम आपको प्रोवाइड किया गया है, ट्रैक्शन कंट्रोल मोड यहाँ पे दिया गया है, वायरलेस मोबाइल चार्जिंग दिया गया है, और 8-स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन कुछ इस तरह का कप होल्डर, और यहाँ पे आर्मरेस्ट जस्ट इसके नीचे स्टोरेजेस, लेदर टच दिया गया है, वेंटिलेटेड सीट्स ऑफर किया गया है कुछ इस तरह, ड्यूल टोन लेदर अपोस्ट्री। बहुत ही अमेजिंग इसका इंटीरियर रहने वाला है दोस्तों। और प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो जबरदस्त स्टोरेजेस आपको यहाँ पे दिया गया है, ग्लोव बॉक्स काफी लार्ज दिया गया है, बहुत ही सफिशिएंट स्पेस यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया है, जस्ट इसके ऊपर आपको कुछ इस तरह का स्पेस दिया गया है, मोबाइल वगैरह रख सकते हैं। सॉफ्ट टच मटेरियल का यूज किया गया है यहाँ पे, काफी शानदार। चलिए अब बात करते हैं रियर कैबिन कंफर्ट की, ओपन करते हैं इसके रियर डोर को, और यहाँ पे पावर विंडो के कंट्रोल तो मिलता ही है, काफी अच्छी खासी लेग रूम, हेडरूम आपको मिल जाता है, साथ में रियर एसी वेंट भी प्रोवाइड किया गया है रियर पैसेंजर्स के लिए, और सी पोर्ट, ड्यूल सी पोर्ट आपको यहाँ पे दिया गया है चार्जिंग के लिए, और यहाँ पे दिया गया है आपको ड्राइवर सीट एंड को पैसेंजर सीट आपको दिया गया है, पावर्ड
8-way adjusted, जगह जगह आपको स्टोरेजेस दिए गए हैं, लेदर टच आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। बहुत ही शानदार इसका इंटीरियर रहने वाला है दोस्तों, बहुत ही प्रीमियम और इंडिया में आएगी तो धूम मचा देने वाली है दोस्तों। सीट्स को आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं मेमोरी फंक्शन के साथ, पावर विंडो के कंट्रोल यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, ड्यूल टोन कॉम्बिनेशन और यहाँ पे लेदर टच दिया गया है। सॉफ्ट टच मटेरियल का यूज जगह जगह आपको देखने को मिलेगा, सैटिन सिल्वर फिनिश दिया गया है, 1 लीटर का बोट होल्डर और रियर सीट्स यहाँ पे कुछ इस तरह रहने वाले है और यहाँ पे सिंगल टोन भी आपको मिलने वाले हैं लेदर अपोस्टी के रूप में और साथ ही 3 हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है और साथ में आपको आर्मरेस्ट 2 कप होल्डर के साथ और यहाँ पे कॉर्पोरेटेड लेदर अपोस्टी वेंटिलेटेड सीट्स ऑफर किया गया है। बहुत ही जबरदस्त JBL के स्पीकर एंड ट्वीटर्स दिए गए हैं, ए पिलर पे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ट्वीटर्स की प्लेसमेंट कुछ इस तरह। ओवरऑल इसका एक्सटीरियर इंटीरियर बहुत ही अमेजिंग रहने वाला है दोस्तों। और जहां तक इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट की बात करें इंडिया में, तो एंड ऑफ 2024 और अर्ली 2025 में ये लॉन्च हो सकती है। और वहीं इसकी एक्सपेक्टेड प्राइसिंग की बात करें तो 22 लाख से 30 लाख के बीच में ये लॉन्च होगी दोस्तों। आप लोगों का क्या सोचना है इस बारे में, क्या ये दमदार SUV इंडिया में लॉन्च होगी या नहीं, कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताइएगा। ये थी दोस्तों टोयोटा की अपकमिंग RAV4 से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा और एक लाइक तो बनता है, चैनल को सब्सक्राइब के बगैर बिल्कुल मत जाएगा क्योंकि मैं अपने चैनल पे रोजाना ही ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ी न्यूज रिव्यूज टेस्ट ड्राइव्स वॉकराउंड्स कंपैरिजन एसेसरीज आपसे साझा करता रहता हूँ। तो चले दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।